फेज 3 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जागरूकता शिविर व महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को हुआ। इसमें राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला देवी ने महिलाओं की समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं जैसे वन स्टॉप सेंटर, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री समग्र पेंशन योजना आदि की जानकारी दी गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी से कन्या सुमंगला योजना व राज्य के बाल गृह में निराश्रित बच्चियों की देखभाल के बाबत पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिए गए, महिलाएं उसका लाभ उठाएं तभी उनका शोषण रुकेगा। यह भी कहा कि महिलाएं अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करें क्योंकि इससे उनकी व्यक्तिगत हानि होती है। हनुमानगंज ब्लॉक से आई महिलाओं ने आंगनबाड़ी वितरण से जुड़ी शिकायतें की। इस दौरान सीओ प्रीति त्रिपाठी, जिला सूचना अधिकारी अनुराग रंजन, सामाजिक कार्यकर्ता संध्या पांडे व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमारे महिला आयोग में हर महीने के प्रथम बुधवार को और तृतीय बुधवार को जनसुनवाई होती है। पूरे महिला आयोग के सदस्यों को 3-3 जिले बटे हुए हैं, जैसे मेरा गोरखपुर, देवरिया और बलिया है। तो आज बलिया की सुनवाई थी जिसमें महिलाओं की हमारा प्रयास होता है कि सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो, वो जो भी समस्या लेके आती है। लगभग जितने भी मैटर आए उसका तुरंत समाधान हो गया। यहाँ तक कि एक महिला थी सदर अस्पताल में और किसी ने उनसे पैसा ले लिया था, किसी बाहरी लड़के ने मतलब दलाल टाइप में, वो जानकारी नहीं थी उनको कि वो अस्पताल का है कि बाहर का है, तो वो भी उनका पैसा आजवा। अभी उस बच्चे का फ़ोन आया है, वो मतलब उसको पूरा पैसा वापस हो गया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वापस हो गए और मतलब जितनी भी समस्याएं थी इसका तुरंत समाधान हो गया। जी, तो आपके आने से जो भी समस्याएं हैं वो निदान हो गए, और फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं मालूम हो पाता है तो आपका ये जन सुनवाई होने वाली है, नहीं ऐसा नहीं है। हर पेपर में जब से आयोग का आ जाता है तब से इश्तहार दिया जाता है और अखबारों में सूचना रहती है कि महिला आयोग से मैडम आने वाली है सुनवाई के लिए। आज भी देखा जा रहा है जो महिलाएं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका क्या?